हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ आई स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर अपने 92 तक, और आज हम 92 से आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो काफी समझ में आए हैं। अगर कोई छात्र इस वीडियो पर नया है तो वो इस वीडियो से स्टार्ट ना करके अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे लेक्चर 1 से, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 93। देखिए, 93 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है, 2 × sin 6θ + cos 4θ + 1 + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, ध्यान से समझते हो, चलिए बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है उनका आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 2, इसको एज इट इज रखते हैं। यहां पर साइन 6 को, जो साइन की पावर 6 है, ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और बाहर लिख लेंगे पावर 3 प्लस यहां पर कोस की पावर 2 और बाहर लिख लेंगे पावर 3 माइनस ये पूरा ब्रैकेट हमारा एज इट इज रहेगा और प्लस 1। ठीक, अब याद कीजिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है a³ + b³ का। फॉर्मूला इसका क्या होता है, a+b × a² + b² - ab। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। बाहर क्या रहेगा हमारा, 2 बाहर रहेगा, यहां पर a³ - b³, तो कैसे खुलेगा, a+b। a क्या है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अब क्या करेंगे, a² + b² - ab। a क्या है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, और माइनस a × b होने का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया हमारा, और आगे माइनस 3 पूरा ब्रैकेट एज इट रहेगा और प्लस के 1। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। एक आइडेंटिटी मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया इसकी जगह। ठीक है, यहां पर बचेगा हमारा, अब देखिए साइन का स्क्वायर का स्क्वायर है, तो साइन की पावर कितनी जाएगी यहां पर, 4, साइन की पावर 4 थीटा, ऐसे ही स्क्वायर का स्क्वायर है, कोस की पावर क्या जाएगी, 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा, और बाहर क्या है, पीछे क्या है, माइनस 3, यहां पर साइन की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा और प्लस के 1। ठीक, अब देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहां पर, तो जब 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, यहां पर इसको पीछे रख लेंगे। ठीक, देखिए जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस के 1। अब देखिए यहां पर 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं,
दोनों आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट भी और ये वाला ब्रैकेट भी, ये दो गुना है और ये तीन गुना, तीन कैसा है माइनस और ये कैसा है प्लस, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो जब घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा माइनस टू साइन की पावर टू थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस के वन, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए यहां से पूरे से हम यहां से हम चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, इतने पार्ट से, इस पार्ट से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, ये पूरा जो कि माइनस का था ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा, माइनस का जो यहां पे चिन्ह है वो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और पीछे बचेगा हमारा प्लस के वन, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर आया, आप जरा सा दिमाग लगाइए ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर का, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक, लेकिन विद माइनस, क्योंकि माइनस यहां पर है बाहर और पीछे क्या है प्लस वन, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आती है वन, तो वन इसकी वैल्यू हो गई और इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा वन ही आएगा, तो यहां पर माइनस वन और ये प्लस वन, माइनस वन प्लस वन आप जानते हैं सभी क्या हो जाएगा जीरो। तो कैलकुलेटिव है पूरा सवाल, बस फॉर्मूलाज का यूज करना है आपको, सभी सूत्र आपको बारीकी से याद हो, एडवांस मैथ है, फॉर्मूला भी बहुत सारे यहां पर आपको याद करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है और किस तरीके से करना है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन होगा हमारा 94, ठीक है, साफ तरीके से बिल्कुल आपको क्वेश्चन को नोट करना है, एक एक क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में जैसे मैं करा रहा हूं करना है, ठीक है। एक बार आप लोग त्रिकोणमिति कंप्लीट कर लो यहां से जो मैं करा रहा हूं, इसके बाद आप देखना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, क्यों कि आपके पास कंप्लीट नोट्स होंगे। हम यहां पर लगभग 850 से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे और 850 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, तो आपकी बहुत ज्यादा खतरनाक प्रैक्टिस यहां पे होने वाली है। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा गया है, 94 है आपका x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू क्या है sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए यहां से कैसे कर सकते हैं इसको, हम निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है यहां पर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, हमें यहां से निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री है, फोर नहीं। तो देखिए जैसे यहां पर दिया हुआ है सेम उसी तरीके से हमें इसको लेकर के चलना है। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर आया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, एक्स इंटू वाई की। तो अगर हम एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकाल लें तो जो आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो चलिए हम यही काम करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाई की वैल्यू है। यहां पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, याद कीजिए शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको बेसिक में पूरा कंप्लीट कराया था, कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन, तो यहां से इसको लिख लिया वन अपॉन साइन माइनस साइन को ऐसे रखेंगे, सेम इसी तरीके से सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा,
माइनस कोस थीटा। अब वन मान करके दोनों जगह ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, वन की वन में करेंगे आप सभी जानते हैं वन आएगा, साइन की साइन में करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा साइन थीटा। सेम इसी तरीके से यहां पर वन की वन में मल्टीप्लाई करेंगे और कोस थीटा कोस थीटा में और नीचे की नीचे, तो यहां पर वन की वन में करेंगे वन आएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा क्या जाएगा। ठीक याद कीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कहां से निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वहां से आप वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो वैल्यू निकालने के बाद आपके पास क्या आएगी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा। कोस की पावर नीचे एक है ऊपर दो, तो एक पावर घट जाएगी। सेम इसी तरीके से साइन थीटा वन पावर नीचे दो पावर ऊपर एक पावर कट जाएगी, तो फिर इस तरीके से बच के हमारे पास क्या आएगा ऊपर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है साइन थीटा कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी क्या लगा देंगे हम स्क्वायर लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसको पूरे को ही लेके चलते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ये वैल्यू को पुट कर दिया है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर होने का मतलब क्या है वाई की वैल्यू का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या दी है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर और प्लस थ्री, और यहां पर क्या कर देंगे प्लस थ्री। ठीक देखिए अब आगे इसको एज इट इज रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एज इट चलेगा, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो होल सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह आएगा हमारे पास यहां पर होता है माइनस टू ए बी, तो इसका आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस ये देखिए प्लस यहां पे लगा हुआ है प्लस सेक थीटा माइनस कोस थीटा, इसका भी इस तरीके से फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के टू सेक थीटा इंटू कोस थीटा और पीछे प्लस के थ्री, तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस के थ्री। ठीक अब देखिए आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि कोसेक और साइन अगर एक साथ है तो ये कट जाते हैं आपस में क्योंकि ये होते हैं एक दूसरे के उल्टे, सेम अगर सेक और कोस साथ है तो ये भी कट जाते हैं क्योंकि ये होते हैं एक दूसरे के उल्टे। ठीक एक चीज आप और साथ में ध्यान से देखें, अगर हम बात करें इन दोनों की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या जाएगी वन, आप जानते ही हैं ये तो आपको याद ही हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया वन, तो ये वैल्यू हो गई है वन, एक और तीन ये प्लस थे तीन और एक कितना हो गया चार, तीन और एक कितना हो गया चार, ऐसे ही माइनस के दो कितना हो गया माइनस के चार, ये माइनस के चार ये प्लस के चार पूरा क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहां से जो है पूरे को इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कट गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो चल रहा है ऊपर से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम एक बार और कन्वर्ट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा
कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की नीचे जाएगी, तो इधर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे की नीचे जब मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक हमारा यह जाएगा, इससे देखिए ये सेम है, ये सेम ही कट जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास वन, तो इस तरीके से सोल्व करते हुए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी वन आएगी, आंसर हो जाएगा हमारा वन, ठीक। देखिए कैलकुलेटिव सवाल है, आज के जितने भी सवाल हैं कैलकुलेटिव है। मेरा हमेशा यह कोशिश है कि आपको बेस्ट से भी जो बेस्ट हो सकता है वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं, ठीक। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल होती है तो हम लोग जरूर आपको उस क्वेश्चन को एक छोटे और आसान मेथड से कराते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में पॉसिबल हो नहीं पाता उसको हम बहुत कुछ करने के बाद भी आपको नहीं करा पाते, लेकिन फिर भी जो भी मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में, मैं पूरा इसमें 100% दे रहा हूं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराने की, ठीक है। एडवांस मैथ है, बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग जाती है और बहुत सालों में नहीं लगती, तो इतना आपको भी समझ के चलना है कि जो आपको मिल रहा है वो काफी है, हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने की। तो आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन की लेंथ क्या है, ठीक है, आपको केवल और केवल इनको सीखने में ध्यान देना है। अगर आप एक बार सीख गए तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 95 पर, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए अगर आप लोग इस टॉपिक की पीडीएफ के लिए परेशान हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर ऑलरेडी दोनों टॉपिक्स पर जो पीडीएफ है वो अपलोडेड है, ठीक है, पहले ही अपलोड कर चुका हूं मैं, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 95, नहीं क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 2y cos theta इज इक्वल टू x cosec थीटा, सॉरी x sin theta, ये गिवन है, और वो हमसे वैल्यू क्या निकलवाना, अच्छा एक और कंडीशन दी हुई है हमें, कंडीशन है 2x sec theta minus y cosec theta, y cosec theta is equal to 3, ठीक, ये गिवन है, वैल्यू निकालनी है हमें x square प्लस 4y square, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है प्लस 4 के साथ क्या है वाई स्क्वायर, इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग जैसे ही हमें वैल्यू मिलेगी उन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, उनका होल स्क्वायर करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, चलिए तो देखो जो गिवन कंडीशन है हमारी यहां पर, इसको 2 कोस, जो कोस है इसको हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं sec थीटा, बराबर यहां से x, साइन को लिखा जा सकता है कोसेक, साइन में क्या लिखा जा सकता है कोसेक, 1 अपॉन कोसेक, ठीक, कोसेक की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और sec की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो 2y साथ में क्या जाएगा कोसेक, sec x के साथ चला गया तो ये हो जाएगा x sec थीटा। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिए, देख रहे हैं आप x sec थीटा और x sec थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है x sec थीटा की 2y cosec थीटा। यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू कहां पर पुट कर रहे हैं हम, यहां पर, तो देखिए 2x sec थीटा की जगह x sec थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 2y cosec थीटा,
ये रख दिया हमने यहां पर माइनस वाई कोसेक थीटा और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है थ्री। अब देखिए ये टू टू जा फोर, दो की दो मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा चार, चार कोसेक थीटा में से एक कोसेक चार वाई कोसेक थीटा में से एक वाई कोसेक थीटा कटेगा तो कितना बचेगा सभी जानते हैं थ्री वाई कोसेक थीटा और बराबर कितना है थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा। वाई की वैल्यू क्या निकालेंगे यहां से देखिए, अब हमारे पास क्या बच गया वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन क्योंकि तीन से तीन कट चुका है। तो वाई अब देखो ध्यान से सोचो कोसेक कोसेक क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन, तो जब यहां पर वन अपॉन साइन लिखेंगे वाई के साथ वन अपॉन साइन लिखेंगे तो जो नीचे का साइन है वो कहां मल्टीप्लाई कर देगा वन में, तो इस तरीके से वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी साइन थीटा। हम वाई की वैल्यू निकालने में कामयाब हुए हैं। इस वैल्यू को जो वाई की वैल्यू है इसे फर्स्ट मानते हुए हम किसमें रख देंगे पुट इन फर्स्ट, वाई की वैल्यू को फर्स्ट में रख देंगे और हम ऊपर से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो टू वाई ये रहा, ध्यान देखिए ये रहा वाई, वाई इधर क्या रख देंगे साइन थीटा, यहां पर रख दिया है साइन थीटा, साथ में क्या था कोसेक सॉरी कोस थीटा और बराबर में क्या था एक्स साइन थीटा। तो इधर साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आएगी यह आएगा हमारे पास टू कोस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई है टू कोस थीटा एक्स की वैल्यू ठीक है, और वाई की वैल्यू आ गई है साइन थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर निकालने के लिए एक्स एक्स की वैल्यू आई ये टू कोस थीटा, यहां पे रखा टू कोस थीटा इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, फिर फोर वाई स्क्वायर फोर दिया हुआ है वाई स्क्वायर मतलब वाई का मतलब क्या है साइन थीटा और इसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए दो का स्क्वायर कितना जाएगा चार, टू का स्क्वायर फोर, कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा प्लस फोर और ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से फोर कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको कई बार बता चुका हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका वन होगा, तो यहां से फोर इंटू वन क्या आना चाहिए आपका फोर, तो फोर ही आपका क्या हो जाएगा आंसर जाएगा ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 96, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 क्वेश्चन को आप तब तक ट्राई कीजिए। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे ज्योमेट्री करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो भी अच्छे से अपने नोट्स बना करके चले, जल्द ही अब बस नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं ठीक है। बेसिक हमने बहुत हद तक कर लिया है, जो बीच में जरूरत पड़ेगी उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब अगला जो पार्ट आने वाला है ज्योमेट्री का वो क्वेश्चन ही उसमें स्टार्टिंग होगी। एक और चीज, अगर आपको रेगुलर लेक्चर्स समझ आ रहे हैं आपकी हेल्प हो रही है इन लेक्चर्स के थ्रू, तो आप दिल से ईमानदारी से अपना समझकर शेयर करने में जरा सी भी कंजूसी नहीं करेंगे, शेयर कर दीजिए ठीक है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कोशिश कर रहा हूं तो आप लोगों का भी ये ड्यूटी है कि आप लोग भी लेक्चर्स को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जहां कहीं भी आप एजुकेशनल ग्रुप में ऐड हैं वहां पर भी आप इनको शेयर कीजिए ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 96। देख क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा, 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा, 3 कोस की पावर 8 थीटा और प्लस कोस की पावर 6 थीटा
कोस की पावर 6 थीटा और माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को देखते हैं, क्योंकि दोनों के साथ एक कॉमन वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 3। दोनों जगह क्या दिखाई दे रही है हमें, 3। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कोस की पावर 12 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस की पावर 4 थीटा और पावर कर देते हैं ऊपर 3, 3 × 12। इस तरीके से हमने इसको एडजस्टमेंट किया। कोस की पावर 6 थीटा को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा और बाहर कितनी लिख रहे हैं 3, दोनों की पावर 3 लिख दी। अब यहां से 3 कॉमन लेंगे, 3 के साथ आप देख रहे हैं कोस की पावर कितना है 10 और ये कितना है 8। आप लोग सभी पहले से जानते हैं कि जब कभी भी कुछ वैल्यू कॉमन होती है तो उसमें से हम छोटी पावर को बाहर लेते हैं, छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं। तो कोस की पावर 8 थीटा आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, देखिए 8 बाहर आ गई है 10 अंदर थी, कितनी बचेगी स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या बचेगा आपका 1, और पीछे जो माइनस 1 है वो भी आपका लिखेंगे हम। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका कैसा फॉर्मूला बना, किस तरीके से आप इस फॉर्मूले को देख पा रहे हैं। देखिए फॉर्मूला आपका होगा, एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको खुलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। इस फॉर्मूले का यहां पर यूज हुआ है, देखिए कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब देखिए 3ab कैसे, ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ये कोस की पावर 8 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस की पावर 4 थीटा, चल ऐसे लिख लीजिए, और इंटू कोस की पावर 2 थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया हमने यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा a की पावर 3, ठीक, b की पावर 3 प्लस 3, a क्या है पावर 4, ठीक, और b क्या है पावर 2, तो ये a ये b, तो हमारा फॉर्मूला यहां पर एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे, यहां से माइनस 1 पीछे भी है, तो ये हमारा बन गया है कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हमारा बन गया है यहां से माइनस 1। ठीक, अब एक बात आप देखो, जो गिवन कंडीशन है इसका हम यूज करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे यूज करेंगे। देखिए यूज कैसे करेंगे इसको, साइन थीटा ये जो आप दिखाई दे रहा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई साइन थीटा, यहां पर आपके पास क्या है कोस की पावर 4 थीटा, तो अगर आप इस वैल्यू का दोबारा से स्क्वायर कर दें, दोबारा से स्क्वायर कर दें तो पावर क्या बन जाएगी 4, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, तो कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साथ में कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख के चले और इसके पूरे की पावर 3 और माइनस 1, फिर से आप जानते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 बनेगा, तो इसको हम लिख देंगे फिर से 1, पावर कितनी है 3 माइनस 1, तो आपको क्या आएगा 0 आएगा। कैलकुलेटिव है लेकिन आपको समझना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आपको समझ के चलना है। ठीक है, एडवांस का टॉपिक है, शांति रखिए, बस लिखते चलिए, ठीक, मेहनत करते चलिए, आप
ईमानदार होकर अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक, आने वाले समय में एग्जाम्स में एडवांस मैथ बहुत ज्यादा आया करेगा, ये आप लिख लीजिए। आज बदलता हुआ ट्रेंड है, बहुत ज्यादा एडवांस मैथ आने लगा है। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, या बहुत सारे एग्जाम्स हैं, धीरे धीरे एडवांस मैथ अपनी एंट्री कर रहा है। तो आप अभी से ही कमर पक्की कर लीजिए, डरना नहीं है, हिम्मत रख के मेहनत करके आप सीखें इसको, सीखते चलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 97। देखिए, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि रेलवे की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए जो आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, क्या बुक आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा स्ट्रेटेजिकल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो, इसी वीडियो में या हर वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डालता हूं, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख सके। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और आपने रेलवे के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखकर आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। एक बार देख लोगे तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही देख पाओगे कि आप कहां पर खड़े हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97, देखिए 97 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है, कोस की पावर 4, कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर फोर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कोस की पावर 4 अल्फा सॉरी बीटा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए, बड़ा ही इसका इजी सा सॉल्यूशन होगा, एकदम अच्छे तरीके से। आप एक बात देखिए, यहां पर अगर अल्फा बीटा हम यहां पर इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, बहुत आसान आपको पड़ेगा। अगर अल्फा और बीटा हम दोनों को यहां पर 45 डिग्री पुट करें, तो हमें क्या, जो गिवन कंडीशन है उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, केवल क्या कोशिश करनी है कि वैल्यू रख के ये जो गिवन कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। अगर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप इसी वैल्यू का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, हम चलिए ट्राई करते हैं। कोस अल्फा है यहां पर, कोस अल्फा और उसकी पावर कितनी है 4, तो अल्फा की जगह आप 45 रखोगे तो क्या हो जाएगा, कोस 45 और पावर कितनी करोगे आप 4। कोस 45 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√2, और जब इसकी पावर 4 होगी तो कितना आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है ऑलवेज। जब √2 की पावर 4 करेंगे तो √2 की पावर 4 करने का मतलब क्या है, √2 × √2, इसको हम 4 बार गुणा में ऐसे लिखेंगे, यहां से कितना आएगा 2 और यहां से कितना आएगा 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आपको क्या आएगा 1/4। ऐसे ही जब नीचे हम यहां पर रखेंगे बीटा की जगह कितना रखेंगे 45, तो कोस स्क्वायर बीटा, तो कोस 45 और पावर कितनी कर देंगे हम इसकी 2, कोस 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, पावर 2 सॉल्व करें कितना रहेगा 1/2। ठीक, तो यहां पर 1/4, यहां पर कितना है 1/2। सेम साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 अल्फा की वैल्यू भी ये आएगी 1/4, ऐसे ही साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी ये आएगी 1/2। तो अब हम इसको चेक करते हैं, गिवन कंडीशन से चेक करते हैं। कोस की पावर 4 अल्फा की वैल्यू है 1/4 और कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आई 1/2 प्लस सेम इसी तरीके से 1/4 और 1/2, ये 1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 जाएगा ऊपर, तो इधर देखिए आप लोग 2 × 1 = 2 और 1 की 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 ही आ जाएगा प्लस
सेम इस तरीके से यहां पर मल्टीप्लाई होगी और ये ऊपर जाएंगे, दो एकम दो और नीचे क्या आएगा चार एकम चार। तो एलसीएम कितना आएगा आपका चार और ऊपर कितना जाएगा दो और दो चार, चार से चार कटे कितना जाएगा वन। ठीक, तो गिवन कंडीशन वन ही हमारा आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं। जब ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे यहां पर और इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए 45 रखोगे यहां पर, ठीक, तो कोस 45 की पावर 4 वैल्यू कितनी आई थी अभी 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4, कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, सिमिलरली 1/4 और 1/2, तो सोल्व करके फिर से आपको क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा आपका 1। देखिए जो मैंने आपको वैल्यू रख के बताया है, आप अगर थोड़े से भी आप क्षमता रखते हैं तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को रख करके मन में इसको सोल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है,